प्रांजल कुकबुक पकोड़ों की सीरीज को थोड़ा सा विराम देते हुए आज एक हेल्दी चीज हम बनाने जा रहे हैं। हम कुछ देर पहले ही आने वाले थे लेकिन ड्यू टू हमारी टेक्निकल इश्यूज हमारा गैस का कुछ इश्यू हो गया और लास्ट मोमेंट में हमको बहुत सारी चेंजेस करने पड़े, लेकिन अब हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, बनाएंगे जल्दी से बाजरे का आलू का पराठा। तो सबसे पहले हम लेंगे बाजरा। बाजरा को हम एक कटोरी बाजरा लेंगे, इसके अंदर 2-3 चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे, जिससे हमको पराठा बनाने में, अगर आप बिगनर हैं बाजरे की रोटी के लिए, तो भी आपको दिक्कत ना हो। 4 छोटा चम्मच हम लोग इसमें डाल देंगे और गेहूं का आटा डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद डालेंगे जिंजर और मिर्ची का पेस्ट। जैसे कि अगर हमारी स्टफिंग थोड़ी, अगर जैसे बाजरा का मोटा रहता है लेयर, तो भी हमको टेस्ट बराबर आता रहे, इसलिए मैंने लहसुन और हरी मिर्ची, 4 से 5 लहसुन की क्लोव्स और 2 हरी मिर्ची को पीस के रख लिया था। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसका आटा बना लेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा गैस का कुछ इशू हो गया था, तो मैं अपना इंडक्शन अभी ऑन कर लेती हूँ। जैसे कि हमको बिल्कुल भी लेट ना हो और हम समय पर अपना बाजरा आलू पराठा बना पाएं। ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही सिंपल है और खाने में टेस्टी भी रहता है और हेल्दी भी रहता है। इसको अच्छे से मसलते हुए हम बना लेंगे। इसके अंदर हम कोई भी प्रकार का घी मोन वगैरह नहीं डालेंगे। आपको आज थोड़ा सा नॉइज़ बेयर करना पड़ेगा मेरे इंडक्शन का। ऑन हो जाता है, इसमें थोड़ा सा पानी और डालती हूँ मैं। अगर आप देख सकते हैं, मैंने बाजरा के लिए जो आटा कटोरी लिया था, सेम मेजर की कटोरी मैंने पानी की थी, जिससे आप जब बना रहे हैं आटा, तो आपको भी दिक्कत ना हो और आपकी भी मेजरमेंट्स बिल्कुल बराबर रहे। तो ये आटा जब कहीं पर भी ना चुपके और इस तरह से बोल को बिल्कुल तरह से छोड़ दें बिना तेल और घी के, तो समझ जाइएगा ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके अंदर 1-2 पानी के छींटे लगा के इसको मैं 2 सेकंड के साइड में रख दूंगी। मेरी 1 कटोरी पानी में से 1/4 कटोरी पानी बच गया है, इसको मैं कवर करके साइड में रख दूंगी। मैं लेती हूँ आलू, यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज आलू लिए हैं स्टफिंग के लिए। मैंने आलू तो फटाफट से मैश करूंगी। इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले। मसालों में हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, हम डालेंगे थोड़ा सा अमचूर हींग जिससे आलू गैस ना करे, लाल मिर्ची पाउडर, अजवाइन, हरी धनिया और हरा मिर्ची, ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे और कर लेंगे इसको मिक्स। बहुत ही जल्दी फटाफट से बनने वाला नाश्ता है ये, बच्चों को पसंद आता है, हेल्दी भी रहता है और टेस्टी भी रहता है। तो हमारा मसाला बनके रेडी हो गया है। मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा नमक चख लेती हूँ। आलू मेरे गरम गरम हैं, मैंने अभी अभी बॉईल करे हैं। वैसे आलू थोड़े ठंडे हों तभी आप इसमें नमक डालिएगा। बहुत ही मस्त नमक वगैरह में बिल्कुल परफेक्ट। जब आलू का मसाला बनके तैयार हो जाए, इस तरह के छोटे से पेड़ बना के आप कटलेट बना लीजिए और इसको साइड में रख लीजिए। जो हमारी पराठे की लोई होगी उसके साइज की लोई इसकी बना के और इसको रोल करवा के
इस तरह भी कटरे बना के रख दीजिए। तो मेरा और भी एक्स्ट्रा मसाला है, मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क हम करने वाले हैं कि हम उसको बेलेंगे कैसे। तो बेलने के लिए मेरा ये गर्म हो चुका है, हम लेते हैं हमारा आटा। आटे का एक पेड़ा बनाएंगे। इस पेड़े को अच्छी तरह से हाथ में मसल लीजिए। आप देख सकते हैं कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि ये बाजरा फ्रेश है। और अब इस मोई के हम दो पोर्शन कर देंगे। एक तो ये रीज़न है कि ये बाजरा फ्रेश है, और सेकेंड रीज़न ये है कि इसमें पानी बिल्कुल एडिक्वेट है। जितना इस मिलेट है बाजरा को पानी चाहिए था उतना है। दो पोर्शन कर दिए मैंने उस लोहे के, और दोनों को जैसे हाथ से कचौड़ी बनाते हैं इस तरह का कर दिया। मेरे पास घी है, हर एक लोहे को मैं घी इस तरह से लगाऊंगी, हर एक पोर्शन को। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं दो लोई बन चुकी हैं। अब इसके बीच में हम रखते हैं हमारी आलू की टिक्की जो हमने बनाई थी। ऊपर से रखते हैं दूसरी बाजरा की लेयर और इसको इस तरह से जॉइंट करते हैं। इस तरह से बनाया हुआ बाजरे का पराठा ना तो फटेगा ना टूटेगा, और कोई भी बिगनर इसको बना सकता है। खाने में बहुत टेस्टी रहेगा और एक डिफरेंट वैरायटी मिलेगी। देखिए अब इसको आटे में डिप करके हम बेलेंगे। बेलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है और ये बड़े ही आराम से बेल रहा है। ना तो ये कहीं पे हमको दिक्कत दे रहा है या फट रहा है, बिल्कुल बराबर हर तरफ से इवनली स्प्रेड आलू, क्योंकि हमने इसकी टिक्की बना के डाली थी, बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम पका लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हम डाल देते हैं। जब तक ये पकता है हम एक और पराठा बना लेते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, लेते हैं एक लोई जो बिल्कुल तीन आटे की लोई के बराबर है, बड़ी भी नहीं है। इसके करते हैं दो पोर्शन, दोनों पोर्शन को गोल करते हैं और फिर कचौरी जैसे घुमाते हुए इसको ऐसे कर लेंगे। दूसरे को भी कचौरी के जैसे घुमा के हम चपटा कर लेंगे। दोनों साइड देसी घी लगा देंगे। आलू की कटलेट लेंगे, बीच में रखेंगे, इसको डालेंगे। और एक और टिप मैं आपको यहाँ पे दूंगी, अभी मार्केट में नया आलू अवेलेबल है, हल्द्वानी आलू बोलते हैं उसको, नया आलू। वो आलू का बाजरा पराठा बनाने से थोड़ा सा ईजी होता है। फिर से आप गौर से देखिए, कहीं से टूटा नहीं है, परफेक्ट फिट हुआ है। इसको मैं पलट देती हूँ, मुझे खुशबू आ रही है बाजरे की, और इसको हम बेलेंगे। इसके पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि ये कैसा बन रहा है, देखने में बहुत अच्छा है। दोनों तरफ से पलटते हुए इसको हम सेकेंगे, और जब बाजरे की खुशबू आने लगे, कुछ छोटे छोटे दाने इसके ऊपर आने लगे, तो उसके बाद ही इसको तेल लगाकर पकाएं। तब तक इसको आप तेल न लगाएं, नहीं तो कहीं से कच्चा और टेस्ट बहुत ही डिफरेंट लगेगा आपको। इसको हम फिर पलट लेते हैं। आप देख सकते हैं
ये बहुत ही अच्छा बन रहा है, यहाँ कहीं से टूटा है। और आप यहाँ पर नहीं हैं, नहीं तो आप इसकी बाजरे की खुशबू इस वक्त महसूस कर पाते कि ये कितना अच्छा लग रहा है। आप मुझे उससे जुड़े रहिएगा, मुझे छोड़कर मत जाइएगा। उसका रीज़न ये है, एक तो मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी कि ये अंदर से कैसा लगेगा, और दूसरा रीज़न ये है कि हम नेक्स्ट सीरीज़ जो नेक्स्ट थर्सडे से हम लाने वाले हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप अंत तक मेरे से जुड़े रहिएगा। इस तरह से तेल लगाकर आप इसको दोनों तरफ सेकते हुए बना लीजिए। देखिए कोई नहीं आएगा, ये रोटी का, गेहूं की रोटी का नहीं बना हुआ है, परफेक्ट आलू पराठा है ये, और इवनली आलू स्प्रेड है इसमें, विंटर के लिए ज़बरदस्त है। हम प्लेट से निकाल लेते हैं। मैं एक और पराठा आपको बेल कर दिखा देती हूँ, अगर आपने मिस कर दिया है तो। दोनों तरफ उसको मैंने डिप किया, बेल लिया। देखिए कितनी आराम से मैं इसको घुमा के बेल पा रही हूँ, ये बिल्कुल नहीं चिपकता। तो और आपने देखा होगा ना मैंने इसमें घी डाला है ना मूंग डाला है। आपने मेरी YouTube चैनल पर चकूरी मानी डबल लेयर्ड बाजरा रोटी को देखा ज़रूर होगा, और नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए जाके, उसमें भी सिमिलर आइडिया यूज़ है। और बिल्कुल भी मत भूलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए कितना बराबर मस्त रोटी बनी है, ये गई मेरी तवे पे। और इस बाजरा रोटी को मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी कि कितना परफेक्टली हमारा जो आलू का मसाला इसमें स्प्रेड हुआ है, ये देखिए। कितना परफेक्टली हमारा आलू का मसाला इसमें स्प्रेड हुआ है जो हर बाइट में आएगा। और इस विंटर में अपने आप को नरिश करना मत भूलिए, पकौड़े हमने बहुत खाए साथ में। अब इस रोटी को भी आप ज़रूर बनाइएगा, आप मेरे साथ फर्स्ट थर्सडे को ज़रूर जुड़िए और नई नई रेसिपीज देखिए। जैसे कि मैंने कहा अंत की तरफ हम आपको बताएंगे कि हमारी अगली सीरीज़ क्या आने वाली है। बच्चों को पास्ता बहुत पसंद है तो मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं पास्ता की सीरीज़ लेकर आऊँ और आपको ये बताऊँ कि पास्ता जो है वो हमें मैदे का नहीं और सूजी का लेना चाहिए। तो सूजी का पास्ता कैसे पता चले और अच्छी तरह से पास्ता को कैसे क्विकली उबाला जाए, ये सब टिप्स और ट्रिक के साथ मैं आपके पास ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय, और इस हेल्दी बाजरा आलू पराठा को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए अलविदा।